हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं हूं विवियन ट्रवासो। हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। मे यू हैव अ प्रॉस्परस ईयर एंड मे ऑल योर ड्रीम कम्स थ्रू। यदि अगर आपने अभी तक मेरा स्काई ब्रिज टावर का वीडियो नहीं देखा तो आई हैव पुट माय लिंक डाउन इन माय डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर यू क्लिक ऑन इट, वॉच द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं तमीज़ पर। तो आप अभी कंफ्यूज हो गए रहेंगे कि मैं आपको तमीज़ कैसे सिखाऊं। तो जैसे मैं पहले यहाँ पर नया था, मुझे सिर्फ एक तमीज़ पता थी। अभी यहाँ आने पर मुझे दो तमीज़ पता हो गई। एक तमीज़ तो रिस्पेक्ट होती है, दूसरी तमीज़ होती है अरबिक ब्रेड। तो आप सही थे, हम रिस्पेक्ट तमीज़ की बात कर रहे हैं। सॉरी, यू आर रॉन्ग। आज हम बात करने वाले हैं तमीज़ जो है अरबिक ब्रेड। तो चलिए गाइस, जाकर देखते हैं अब तमीज़ ब्रेड ये बनती कैसी है। सो ओनली फॉर यू गाइज आई हैव मेड श्योर दैट आई शो यू हाउ दिस ब्रेड इज़ डन। सो भाई लोग, इफ़ यू लाइक द वीडियो ज़रूर लाइक करिए, अगर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो पुट डाउन योर फीडबैक एंड कमेंट्स हाउ दिस ब्लॉग इज़ गोना बी। आज हम बनाने वाले हैं तमीज़। और भाई आपका नाम आप बताइए, आपका नाम क्या है भाई? नोमान। नोमान, नोमान आप कहाँ से हो नोमान? आई वाह। और आपको अभी कितना साल हो गया इधर? 3 साल। अच्छा, आप मेरे को बताओ जरा, ये आप तमीज़ बनाते कैसे हैं? पहले पानी डालता है, हाँ, बाद में नमक, बाद में सोडा, ओके, बाद में आटा, अच्छा, बाद में बनाता है मशीन से, ओके ओके। और क्या जाता है इसमें भाई? इसको आप कभी सुबह बनाते हैं? अरे वाह, तो अभी हम एक बनाएंगे, अभी एक ताज़ा वाला बना देंगे एकदम चीज़ वाला। मेरा बना रहा है, मेरा ये। तो अभी हम बनाने जा रहे हैं चीज़ नान शेफ़ नोमान के साथ। तो पहले हम चीज़ को अंदर डाल के इससे मस्त लिपट लेते हैं, फिर इससे मस्त बेलेंगे हम इसको, और फिर इसको बट्टी में डालने वाले हैं हम। दोबारा तो अभी हम इसको इसे क्या कहते हैं भाई? हाँ, क्या बोलते हैं? तकिया भी बोलते हैं। तकिया, इसे तकिया कहते हैं भाई। ये इन लोग का तकिया होता है। इसे हम अभी बट्टी में डाल देंगे। इसे बट्टी में डाल के अभी हम इसको कितना देर भाई पकाएंगे? 2 से 4 मिनट लगेगा कम। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं हमारी अभी रोटी पक रही है, हमारी तमीज़ पक रही है अभी। तो इसे भट्टी में कम से कम 2 से 4 मिनट लगते हैं पकाने के लिए। और अपने कूल नोमान भाई अभी खड़े हैं, इनका लुक देखो ज़रा। आई वाह, देख रहे हो उसको कलर आ रही है तमीज़ को। तो जैसे तमीज़ आने पर हम अभी इससे बाहर निकालेंगे। कभी कभी सोचता हूँ अपना खुद का एक तमीज़ की दुकान डाल दूँ। इसे मस्त अपना कबाब, खीर, कलेजी इसके अगर बेचूंगा तो अच्छा पैसा कमाऊंगा। क्या सोचते हैं गाइस, आपका ये आइडिया कैसा रहेगा? पुट डाउन योर फीडबैक्स, योर कमेंट्स, हाउ डू यू थिंक दिस आइडिया विल वर्क, स्पेशली इफ आई पुट। अगर मैं ये इंडिया में डालता हूँ तो ये रही हमारी तमीज़। इसको थोड़ा कुक होना चाहिए। तो अभी इसे हम काटेंगे। हाँ, नहीं काटेंगे, नहीं काटेंगे, ये बोलते नहीं काटेंगे, तो हम नहीं काटेंगे। इस तमीज़ ऐसी होती है बाहर आने पर। इसे आप दाल, मैं तो ज़्यादा करके इसे दाल और चिकन करी के साथ खाता हूँ। यू कैन मेक अ चीज़ तमीज़, यू कैन मेक अ हर्ब तमीज़। गाइस, दीज आर द ऑप्शंस फॉर विच ऑल तमीज़ यू कैन हैव। आई जस्ट वांट टू थैंक नोमान फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी, मुझे दिखाने के लिए तमीज़ बनती कैसी है। थैंक यू सो मच नोमान, हैव अ ग्रेट डे। तो गाइज, अभी के लिए बाय, अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।